तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस के, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के जो है टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप अगर एमसीए एंट्रेंसेस के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो ये जो कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन है, वो आते ही आते हैं। जैसे कि जनरेशन क्या हो गया, पहला कंप्यूटर क्या था, पहला भारत में कौन सा कंप्यूटर को लॉन्च किया था, या फिर जो है फर्स्ट कंप्यूटर को डेवलप्ड किसने किया था। तो ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, ऐसे में बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, फंसते हैं और जो है अपनी एग्जामिनेशन में गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप देखते हो, अगर आप पूरा देखते हो, अच्छे से देखते हो, पूरी शिद्दत के साथ देखते हो, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से जो है क्वेश्चंस आते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के। तो आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये थम्स अप देख के समझ ही गए हो कि लाइक भी मैं मांग रहा हूं। अगर लाइक करते हो तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो समझ में नहीं आए या कुछ भी और दिक्कत हुआ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे शेयर करते हैं बहुत सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मतलब क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चंस ये रहा, पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पहले पेन ले लेते हैं। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में जो हमारा कंप्यूटर डिराइव्ड किया गया है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो, ऐसे इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर देखिए, पहले क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं ऑप्शन को। तो पहला ग्रीक है, फिर इंग्लिश वर्ड है, फिर हिंदी है, या फिर लैटिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है कंप्यूटर लैंग्वेज को। तो द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैटिन। चलिए अपने दूसरी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है यार, हाँ ग्रुप्ड होगा, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक नहीं, यहां पे ये ऐसे हो जाएगा, कर दीजिए। हाँ, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट एन, क्या है वो, मोबाइल डिवाइस है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है, फिर सर्किट बोर्ड है, या फिर कंप्यूटर सिस्टम है। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट एंड, तो क्या होगा, ये कंप्यूटर सिस्टम का ही है, क्योंकि इनपुट लेता है, फिर आउटपुट देता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, मतलब पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, या फिर आउटपुट देता है। तो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा, हम तीसरी की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is the correct order? Order the group four major functions of a computer. Which of the following is the correct order? The four major functions of a computer. पहला में है process, output, input, storage. दूसरा में है input, output, process, storage. तीसरा है प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, चौथा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो इसमें से क्या होगा, तो इसमें से जो हमारे आंसर्स होंगे, पहले इनपुट लेता है कंप्यूटर, फिर उसका प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, फिर अगर आप स्टोर करना चाहो तो स्टोर होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, फोर्थ आंसर जो है इसका करेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये क्या वीडियो है, इतनी बेसिक बता रहे, मतलब ये हलवा क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो सारी चीज हलवा ही लगते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए यही क्वेश्चंस टफ होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में छूट कर आते हैं, छूटने की भी संभावना होती है, और ऐसी क्वेश्चन छोड़ते भी हैं बच्चे बहुत सारे। तो ये हलवा क्वेश्चंस है मैं मानता हूं, लेकिन आप इसे देखो और ये अपने माइंड में और जो है अच्छे से बैठा लो कहीं पर कि इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो हमें छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो पहला में है प्रोसेसिंग, दूसरा में है कंपाइलिंग, तीसरा में है इंपोर्टिंग, और चौथा में है एक्सपोर्टिंग। तो इसका क्या आंसर होगा आप हमें बताओ, आप वीडियो को पॉज करो और फिर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रोसेसिंग होगा दोस्तों, डेटा को कलेक्ट करके जो है कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन में, तो उसे प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आप कुछ इनपुट डालते हो कंप्यूटर में तो प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो ये फोर्थ का जो है फर्स्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता। ऐसे तो आपने सुना है कंप्यूटर हर एक काम कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है, मतलब जो एक ह्यूमन बींग 3-4 दिन में करेगा, या फिर और कोई काम जो है 3-4 दिन में या फिर ज्यादा टाइम लेगा, कंप्यूटर उसे फटाक सुगर कर देगा, फटाक कर देगा, तुरंत कर देगा। तो ऐसा क्या काम है जो कंप्यूटर नहीं कर पाता? तो वो क्या इनपुट नहीं ले सकता, आउटपुट नहीं ले सकता, थिंकिंग नहीं कर सकता या फिर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता? तो दोस्तों कंप्यूटर सोच नहीं सकता, जैसे ह्यूमन ब्रेन जो सोच सकता है वैसे कंप्यूटर सोच नहीं सकता। इसमें एक बड़ी खामियां यही है कि अगर थिंकिंग आ जाए इसमें किसी भी तरह का प्रकार से, तब तो यार ह्यूमन बींग का कोई निशान ही नहीं रहने वाला है। क्योंकि ह्यूमन बींग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सोच है, उसकी जो काबिलियत है वो सोच पे निर्भर करती है कि क्या आदमी वो सोचता है। तो कंप्यूटर जो है वो सोच नहीं सकता, सिर्फ वो काम कर सकता है, जो चीज आप उससे करवा सकते हो सिर्फ वो करेगा, अपने मन से वो कुछ नहीं करता। तो थिंकिंग नहीं करेगा कंप्यूटर, ये करेक्ट आंसर होगा 5 का 3। तो अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर से मैं बोल रहा हूं हलवा क्वेश्चन है, आप इसे देखना। वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, क्या ये वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर दूसरा मैं प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर का? तो ये जो है फर्स्ट आंसर होगा, वेरी फास्ट होता है और कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को ये स्टोर कर सकता है और फास्ट तो होता ही है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ हूं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, एक अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा, डेटा होगा, मेमोरी होगा या फिर रिपोर्ट्स होगा? 7वें नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों बताओ? अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड डेटा, अ कलेक्शन ऑफ डेटा भी आप बोलते होंगे, क्योंकि कलेक्ट क्या कहते हैं, कलेक्ट हम क्या चीज कर सकते हैं, कुछ डेटा को कर सकते हैं ना, मतलब डेटा को कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं, तो अनप्रोसेस्ड आइटम को डेटा भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following cycle consists of an input processing, output and storage as its constituents? प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट होगा, डेटा होगा या फिर स्टोरेज होगा? क्या होगा इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो इसका भी आंसर जो होगा दोस्तों वो डेटा ही होगा, क्योंकि जो है देखिए इनपुट लेते हैं प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट एंड स्टोर करते, तो क्या करते हैं डेटा को ही तो इनपुट लेते हैं, डेटा को फिर प्रोसेस करके उसका आउटपुट देते हैं, जैसे कुछ कोई सम का हो गया या फिर और कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, तो इनपुट लेते हैं फिर जो है उसका प्रोसेस करते हैं फिर आउटपुट देते हैं और उसके बाद फिर जो है स्टोरेज में अगर स्टोर करना होगा तो स्टोरेज करते हैं। और 9वें नंबर पे आते हैं दोस्तों। अ डैश इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन। अ डैश डेटा मतलब क्या, कौन सा डेटा? दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। तो क्या चीज़ हम जो है मीनिंगफुल फैशन में प्रोवाइड प्रेजेंट करते हैं? तो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं डेटा के रूप में, फिर उसे जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन में देते हैं। तो 9 का आंसर जो होगा हमारे 4th आंसर होगा। चलिए 10वें की ओर बढ़ते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या होगा इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इसको वीडियो को पॉज करो, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट मतलब आराम ले लेता हूँ 1 सेकेंड का। फर्स्ट में क्या इसका हार्डवेयर होगा या फिर CPU होगा या फिर पेरिफेरल होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा? तो इसका क्या आंसर होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसमें से कोई भी आंसर इसका जो नहीं होगा डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर, तो नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर होना होगा। 11th नंबर पे हम बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, द अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? कैलकुलेटर था, एबकस था, डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, क्या था इसका आंसर आप हमारे एज यूजुअल कमेंट में बताओ या फिर जो है वीडियो को पॉज करो और फिर आंसर बताओ। 11वें नंबर का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो एबकस था। एबकस अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ तो एबकस होगा, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माइंड मत करना,
कमेंट मत करना, इसका आंसर जो है टू आंसर होगा आपके लिए। इसका स्पेलिंग या फिर जो है आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, मेरे प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब 12th नंबर पे बढ़ते हैं। एबकस कैन परफॉर्म क्या करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है बताओ। तो जो है एबकस हमने पहले देखा वो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस था, तो ऑफकोर्स एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लीकेशन ये नहीं करेगा। तो बोथ वन एंड टू इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या है, पास्कलिन इज नोन एज, पास्कलिन इज नोन एज नोन बाई क्या है, पास्कलिन क्या है, एबकस है, एडिंग मशीन है, डिवीजन मशीन है या फिर डिफरेंस मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो एडिंग मशीन होने वाला है दोस्तों। तो 13 का करेक्ट आंसर एडिंग मशीन, 13 का करेक्ट आंसर एडिंग मशीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, कैसा क्वेश्चन पूछ दिए भैया, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए कि आप सब गाली दोगे। ये वन मतलब जब से आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तब से ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके सिलेबस में या फिर आपके बुक में। तो इसका दोस्तों हलवा वाला क्वेश्चन, 40 रुपये भी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, तो एनालिटिकल इंजन जो है क्या, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची या एलन टर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चार्ल्स बेबेज होगा। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज अ मेमोरी यूनिट, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज मेमोरी यूनिट, क्या होगा, रैम में होगा, फ्लॉपीज में होगा, कार्ड में होगा, काउंटर व्हील्स में होगा, क्या आंसर होने वाला है आप हमारे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th नंबर होगा, काउंटर व्हील्स, काउंटर व्हील्स। द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड काउंटर व्हील्स। 17 नंबर, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, किसने जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डेवलप्ड किया था या डिजाइन किया था फर्स्ट में, क्या वॉन न्यूमान होगा, जोसेफ एम जैकवार्ड होगा, क्या प्रिस्पर एकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मचौली मकौली, ऑल ऑफ द अबव, इसका सब प्रोनाउंसिएशन मेरा टेस्ट ले लेगा। तो क्या होगा इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ। एज यूजल 17 का क्या आंसर होने वाला है जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों 17 का क्या आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है 3rd, प्रिस्पर एकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मचौली, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो प्रेस्पर एकार्ट 3rd जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 3rd जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18वें नंबर की और बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या होगा, एडवेक होगा, एडसेक होगा, यूनिवैक होगा, एडवेक होगा, क्या होगा इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूनिवैक होगा, यूनिवैक, यूनिवैक, इसका याद रखना दोस्तों, क्योंकि नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लेना, ये एग्ज़ाम में आने के संभावने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे आप किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है एग्ज़ाम क्यों ना देने जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसे तो आप अच्छे से पढ़ना। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं 19वें नंबर पे। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज, कौन से जनरेशन में जो बहुत ही बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फिर फोर्थ जनरेशन में। तो ऑफकोर्स यार फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन में, फिर उससे कम हुआ सेकेंड जनरेशन में, उससे कम हुआ थर्ड जनरेशन में, उससे कम हुआ फोर्थ जनरेशन में। और जब जनरेशन की क्वेश्चन आ ही गई तो मैं बता देता हूँ, तो ये जो जनरेशन स्टार्ट हुए थे ये फर्स्ट जनरेशन हुआ था 1946 से 1956 तक लिखा नहीं रहा दोस्तों। फिर इसमें जो हमारे यूज़ होते थे वो वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन में, और फिर सेकंड जनरेशन होते थे 1956 से 1966 तक, तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। थर्ड में होते थे 1966 से 1977 तक,
1976 तक। तो इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन होते थे जो हमारे 1976 से फिर 1986 तक आए कंप्यूटर, तो उसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे। तो माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे फोर्थ में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें वैक्यूम ट्यूब, इसमें इंटीग्रेट, इसमें सॉरी ट्रांजिस्टर, फिर इसमें होते थे थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में होते थे माइक्रो प्रोसेसर। अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं फिफ्थ जनरेशन के, वो सारे के सारे AI बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सारे कंप्यूटर्स हैं। तो आप समझ नहीं लेना, इसमें वैक्यूम ट्यूब, इसमें जो है आपका ट्रांजिस्टर, इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं, हर एक एग्जामिनेशंस में आते हैं दोस्तों, तो आप इसे देख लेना। चलिए अब 20वें नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए आ ही गया ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ए ऑन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, अभी बताए थे वैक्यूम ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर वैक्यूम ट्यूब होगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेजेस, कौन सा जो लैंग्वेज यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, तो कौन सा लैंग्वेज यूज होता था आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका जो है मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग जो आप पढ़ते हो, उन मशीन लैंग्वेज यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन को, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज वाज मशीन लैंग्वेज। तो अब चलिए हम 22वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, फिर नैनो मिली सेकेंड, या फिर माइक्रो सेकेंड, किसमें इसका जो है यूज होते थे। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में जो इसका स्पीड कैलकुलेट किया जाता था, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन माइक्रो सेकेंड। चलिए 23 पे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, सेकेंड जनरेशन का पीरियड क्या था, सेकेंड जनरेशन का पीरियड क्या था, सेकेंड जनरेशन का पीरियड जो था 1956 से 63 था, 1956 से 63 था। तो इसमें 10 साल अप्रोक्स रहता है 66 तक, लेकिन फिर 63 दिया हुआ है, तो इसका 1956 से स्टार्ट हुआ था और 1963 तक गया था। ये फर्स्ट जनरेशन का है, और ये फिर सेकेंड का है, और ये थर्ड का हो सकता है, थर्ड का नहीं है, सेकेंड जनरेशन का है ये, मतलब सेकेंड जनरेशन का ये। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। अब 24 नंबर पे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज वेयर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज वेयर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या फिर फिफ्थ जनरेशन, कौन से जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स जो है यूज़ होना स्टार्ट किया था। तो फोर्थ जनरेशन से जो है हमारा इंटीग्रेटेड चिप स्टार्ट हो गया था जनरेट होना, फोर्थ मतलब जनरेशन, फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया था इंटीग्रेटेड चिप। 25th में क्या है, चिप इज नोन कॉमन निक नेम ऑफ एन, चिप इज कॉमन निक नेम, चिप इज कॉमन निक नेम, तो अभी पढ़े थे इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका करेक्ट आंसर होगा ना ही ट्रांजिस्टर होगा, ना ही रजिस्टर होगा, ना ही सेमी कंडक्टर होगा, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चिप इज अ कॉमन निक नेम फॉर एन इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड का ये आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी 25th क्वेश्चंस का हमने आंसर कर दिया है। एज यूजुअल हमने पिछले वीडियो में भी बताया था 25th क्वेश्चंस का जो है हम आंसर करेंगे, और जो इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस है इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसा कि कल वाली वीडियो में भी एक बच्चे ने बताया था मेमोरी वाले चैप्टर में, वो पाँचों का पाँचों आंसर जो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दिया था, तो उसके लिए भैया आप पढ़े देखे पूरा वीडियो, उसके लिए थैंक यू। आप ऐसा ही आज भी बताना, इसका जो है लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हैं, 5-6 क्वेश्चंस बचे हैं, तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप करना, ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिले। या फिर अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चलेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी पूछ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो वहाँ पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे भी आपको कुछ इतना बता दिए हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कंप्यूटर बेसिक सिस्टम से, मतलब बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, जो बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, तो आज के बाद गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर जनरेशन बेस्ड आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फिर फोर्थ जनरेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो जनरेशन से रिलेटेड हमने आई होप पूरे डाउट क्लियर कर दी होंगे आपकी, और अगर कुछ बच गया होगा दोस्तों तो आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की और क्लियर करने की। तो बस
हम वो और 5 क्वेश्चंस डिस्कस देख लेते हैं पहले। 26 क्वेश्चंस है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, क्या होगा इसका? वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर 27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का था? तो इसका जो आंसर हमने पहले वीडियो में बताया है, मतलब पहले क्या, ये कुछ क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस किया, जो जनरेशंस थे सारे जनरेशंस कौन से एग्जांपल था, कौन सा जनरेशन का एग्जांपल था हमने डिस्कस किया है, तो आप उसे देख लेना। ऐसे आपका इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो इसका क्या आंसर होगा आप हमारे बताना वहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, पाराम, सिद्धार्था, आईबीएम, क्रे 1। फिर कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लाइस पास्कल, जॉर्डन मोन, क्या होगा इसका? इसका आंसर बताना। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप को किसने डेवलप किया? रॉबर्ट नायक, सी बेबेज, फिर जे एस किल्बी, फिर सी वी रमन। और लास्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, परम, क्रे 1, परामिशन, ईपी रैम, क्या होगा इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक और था, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई, क्या होगा? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो इसका क्या आंसर होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बस इतने ही था क्वेश्चंस, हमने आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं, ये 5 से 7 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना या फिर टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर जरूर देना दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, और बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करना। मतलब अगर नीचे के लेवल के भी जो बच्चे हैं जो और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।